हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडल कोचिंग। दिस इज कृष्णकांत सिंह मुंदेला। मैक्रो इकोनॉमिक्स में इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स हम पढ़ रहे थे और ये पार्ट फोर है। इसमें हम टर्म्स ऑफ ट्रेड में इनकम मेथड करने वाले हैं। इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड जी एस डोरेंस और एच स्टेहेल, इन्होंने ये इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड दिया था। इन्होंने बताया था कि अगर हम जो प्राइजेस हैं एक्सपोर्ट की उनका इंडेक्स लें और उसको मल्टीप्लाई कर दें टोटल क्वांटिटी से, एक्सपोर्ट की जो क्वांटिटी है उनसे, और डिवाइड कर दें इंपोर्ट प्राइसेस के इंडेक्स से, तो हमको टर्म्स ऑफ ट्रेड मिल जाएगा। मतलब टी वाई इक्वल टू टी सी इंटू क्यू एक्स। टी सी क्या है? वही कमोडिटी वाला जो हमने फर्स्ट किया था, टर्म्स ऑफ ट्रेड इंटू क्यू एक्स। क्यों? क्योंकि टी सी का मतलब होता था पी एक्स अपॉन पी एम, यानी प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट अपॉन प्राइस ऑफ इंपोर्ट। बस उसमें हमने क्या किया एक्स्ट्रा, ये क्यू एक्स जोड़ दिया है, इंटू कर दिया है क्यू एक्स का, यानी कि क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट को भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप बोलोगे कि यहां पर क्यों नहीं किया क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट को मल्टीप्लाई, तभी तो बराबर आएगा टी वाई। ये क्वेश्चन आ सकता है माइंड में। देखिए जैकब वाइनर ने किस तरीके से इसको बताया है। टोटल रिसिप्ट्स फ्रॉम एक्सपोर्ट इक्वल टू टोटल पेमेंट्स ऑफ इंपोर्ट। ये हमने जो पीछे किया था पिछले वीडियो में आप देख लीजिएगा, ये रिजल्ट आया था। सही बात है, एक्सपोर्ट के जितने भी रिसिप्ट होते हैं वो अगर इंपोर्ट के पेमेंट के बराबर हो तो वो कंडीशन फेयर मानी जाती है, यानी कि पी एक्स इंटू क्यू एक्स कहलाता है रिसिप्ट ऑफ एक्सपोर्ट। प्राइजेस को हमने क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दिया। अब अगर हम पेमेंट्स चाहते हैं इंपोर्ट की, तो उसमें हम प्राइस लेंगे इंपोर्ट की और क्वांटिटी लेंगे इंपोर्ट की और उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। ये प्राइस इंडेक्स है, ध्यान रखिएगा, ये प्राइस नहीं है इंपोर्ट की, इंपोर्ट के इंडेक्स की प्राइस है, ठीक है। तो पी एक्स इंटू क्यू एक्स अपॉन पी एम ले लिया अपन ने और इक्वल टू कर दिया क्यू एम, यानी यहां पी एक्स अपॉन पी एम, ये तो टी सी है ना, तो यहां पर हम टी सी लिख देंगे इसकी जगह। कॉमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या था? प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट अपॉन प्राइस ऑफ इंपोर्ट, और उसमें मल्टीप्लाई क्या हो रहा है? क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट, तो इक्वल टू क्या आएगा? क्यू एम। इस क्यू एम को क्या बताया है इन्होंने, डोरेंस ने? टी वाई बताया है। उन्होंने बताया है कि टी सी इंटू क्यू एक्स इज टी वाई, यानी इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड। तो ये एक्चुअली टी वाई है इनका और इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट, यानी कि इस फॉर्मूले से आपको पता लगता है कि आप कितनी क्वांटिटी इंपोर्ट करवा रहे हो। सही सही, क्योंकि आपने इसमें मल्टीप्लाई क्या कर दिया है, अपनी क्वांटिटी का एक्सपोर्ट वाली का प्राइजेस के साथ और फिर इंपोर्ट की प्राइजेस के साथ आपने इसको डिवाइड कर दिया है। देखिए प्राइस इंडेक्स पहले समझ लीजिए। सपोज ये आइटम्स हैं शर्ट्स पैंट्स ब्रेड, और उनकी क्वांटिटी है अलग अलग, 10 शर्ट है, 5 पैंट है, ब्रेड है 100, और उनकी प्राइस है, और यह प्राइस 2006 में और यह प्राइस 2007 में। अगर हम 6 को बेस बना लें और अभी की प्राइस निकालना चाहें, इंडेक्सिंग करना चाहें, तो क्या होगा? पहले तो हम इसको मल्टीप्लाई करें क्वांटिटी से, 10 इंटू 10 दैट इज 100, 5 इंटू 20 दैट इज 100, 10 इंटू 0.50 दैट इज 50, और 7 की प्राइस ये हो गई, टोटल ये हो रहा है 300। तो 300 को हम डिवाइड करेंगे 250 से, क्योंकि इनका सम कितना है 2006 का 250, और इनका सम कितना है 300। इनको जब हम डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा 120%, यानी 2007 में प्राइस इंडेक्स 20% बढ़ गया। इस तरीके से इंडेक्सिंग की जाती है। अब हम वापस आते हैं। सपोज 1971 में 1971 को हमने बेस ईयर मान लिया, ठीक है, बेस ईयर यानी जहां पर 100 प्राइस थी, तो प्राइस इंडेक्स ऑफ एक्सपोर्ट 140 है, प्राइस इंडेक्स ऑफ इंपोर्ट 70 है, और क्वांटिटी कितनी एक्सपोर्ट हो रही है, दैट इज 80 1981 में। इनको हमने फॉर्मूले में डाला, मल्टीप्लाई करके निकाला तो 160 आया, यानी पहले था 100 अब आया 60, यानी कि हमारा 60% एक्स्ट्रा आ रहा है, दैट इज 60% इंक्रीज हुआ क्या, इंपोर्ट, इंपोर्ट की क्वांटिटी आ गई है। और अगर हमको इससे टीसी निकालना हो, प्राइस निकालना हो, तो प्राइस कितनी बड़ी, प्राइस के लिए फॉर्मूले में हमने डाला 200% हमको प्राइस में फायदा हो रहा है, यानी हमारा टर्म्स ऑफ ट्रेड दोनों ही टर्म्स में बहुत अच्छा है। ए एच इमलाह ने कहा था इसको एक्सपोर्ट गेन फ्रॉम ट्रेड, ये एक्सपोर्ट गेन है ट्रेड से। अब इसका उल्टा देखिए, 1981 में प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट 80 है, प्राइस ऑफ इंपोर्ट ज्यादा है और क्वांटिटी 120 है, इनको हमने जब पुट किया तो हमारे पास 60 आया, 40% का घाटा, 40% का घाटा। इसका मतलब ये हो गया
कि हमको 40% कम इंपोर्ट मिले, ऐसा समझिए 100 प्रोडक्ट हमने एक्सपोर्ट किया और मिले कितने 60, ये समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं टीसी मतलब टर्म्स ऑफ ट्रेड इन टर्म्स ऑफ कमोडिटीज प्राइस, और प्राइस कितनी कम हो गई 50%, प्राइस 50% डाउन हो गई। तो हमको क्या पता चल रहा है इससे कि अगर किसी कंट्री के इंपोर्ट कैपेसिटी हमको पता करनी है कितनी है, तो हमको क्या पता करना पड़ेगा कि क्या उनका एक्सपोर्ट प्राइस बढ़ रहा है कि नहीं या ज्यादा है कि नहीं, क्वांटिटी जो वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो बड़ी है कि नहीं बड़ी है, और उनके जो इंपोर्ट प्राइसेस हैं उसमें फॉल आया है कि नहीं आया। अगर टीओटी बढ़ रहा है तो इसका मतलब है ये तीनों चीजें हो रही हैं, तो ये लेस डेवलप्ड कंट्रीज के लिए बड़ा अच्छा है, क्योंकि इस इन कंट्रीज में कैपेसिटी इंपोर्ट करने की कम होती है, क्योंकि इनके प्रोडक्ट्स की कीमत भी कम होती है, तो उससे वो ज्यादा इंपोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इनके प्रोडक्ट की प्राइस कम है और जो वो इंपोर्ट करेंगे उनकी प्राइसेस ज्यादा होंगी, तो उनके लिए ये बड़ा अच्छा मेथड है उसको नापने के लिए। मगर इसके भी क्रिटिसिज्म थे। पहला है फेल्स टू मेजर गेन और लॉस फ्रॉम ट्रेड, वही प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि जब हम इंडेक्सिंग करेंगे इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड का, इसमें भी गेन और लॉस नहीं पता चल रहा है। क्यों? क्योंकि वही कंडीशन है जो मैंने आपको बताई थी क्वांटिटी वाले में, कि यहां पर भी क्वांटिटी नाप रहे हैं इंपोर्ट की। अगर मान लो इंपोर्ट की क्वांटिटी बहुत ज्यादा हमारे पास आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि हम बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। अगर पहले से अभी इंपोर्ट बढ़ गया तो इसका मतलब हमने एक्सपोर्ट भी बढ़ा दिया, जबकि वही एक्सपोर्ट जो हम प्रोडक्ट बनाते हैं एक्सपोर्ट करने के लिए, उसके लिए हमको रॉ मटेरियल लगता है। रॉ मटेरियल हम एक्सपोर्ट करने के लिए बना रहे हैं, वही रॉ मटेरियल हम अपने प्रोडक्ट्स के लिए बना सकते थे जो हमारे डोमेस्टिक कंट्री में यूज होता, तो लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड और बढ़ता, लेकिन हमारा ज्यादा एक्सपोर्ट चला जाएगा क्योंकि हम ज्यादा इंपोर्ट ले रहे हैं। नॉट रिलेटेड टू टोटल कैपेसिटी टू इंपोर्ट, सही बात है, इसमें जो कैपेसिटी है इंपोर्ट की, कितना हम इंपोर्ट कर सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है, एक्सपोर्ट से मतलब है। एक्सपोर्ट क्वांटिटी का मल्टीप्लाई किया हमने, तो ये तो बता नहीं रही कि हमारा इंपोर्ट की क्वांटिटी का कितनी क्षमता है हमारे अंदर लेने की। उसमें फॉरेन एक्सचेंज रिसिप्ट भी आ जाते हैं। सपोज इसका जो असर हुआ इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड, ये कम आया या नेगेटिव आया, तो इससे क्या मतलब निकलेगा कि जो क्वांटिटी इंपोर्ट हो रही है वो कम है। लेकिन अगर मान लो फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास ज्यादा आ गया, तो हमारी तो कैपेसिटी बढ़ गई ना, लेकिन टीओटी बता रहा है कि नहीं बढ़ी है क्योंकि इंपोर्ट कम है। तो टोटल कैपेसिटी नहीं बता रहा है इंपोर्ट की। इंपोर्ट में केवल प्रोडक्ट्स नहीं आते, फॉरेन एक्सचेंज भी आता है, फॉरेन करेंसी भी आती है, एफडीआई बोलते हैं जिसको। इनफीरियर टू कॉमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड मतलब यह है कि जो इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड है वो किस पर बेस्ड है? कॉमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड पर। लेकिन जब रिजल्ट की बात करें तो बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है रिजल्ट में, इनकम वाले में, तो इससे अच्छा है कॉमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड ही यूज करिए आप, क्योंकि गेन और लॉस तो फिर भी आप पता नहीं कर पा रहे हैं, फिर जबरदस्ती इनकम को क्यों जोड़ दिया आपने? मिसलीडिंग इंडिकेटर ऑफ वेलफेयर गेन, ये जो इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड है ये एक तरीके का मिसलीडिंग या फॉल्टी इंडिकेटर कहा जा सकता है, जब हम वेलफेयर की बात करें किसी भी कंट्री के वेलफेयर की या सेटिस्फेक्शन की बात करें। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि अगर इंपोर्ट ज्यादा आ रहा है एंड वी आर नॉट हैप्पी विद दैट, हमको नहीं चाहिए वो इंपोर्ट, हम सेटिस्फाइड नहीं है उससे, तो आप कैसे बता सकते हो कि अगर इंपोर्ट ज्यादा आ रहा है हमारे पास तो हम वेलफेयर हमारा ज्यादा अच्छा है, हम ज्यादा खुश हैं? यू आर मिसलीडिंग, ये सही तरीका नहीं है। इसलिए जो कॉमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड था या नेट बार्टर सिस्टम था, दैट वॉज बेटर देन दिस, दैट्स इट, थैंक यू।